तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो PAFMS की वेबसाइट यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट हो चुके हैं, पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है PAFMS का न्यू वर्जन का वेबसाइट है। तो दोस्तों आप जो है अपने DBT स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हो, ये तो फिर आपके जो भी सरकारी योजना के तहत जो भी पैसा मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, गैस सब्सिडी हो, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसा आते हैं वो पैसा हो, तो दोस्तों आप उसे कैसे चेक कर सकते हो। ये तो फिर आपका जो ANSP के थ्रू जो स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पैसा आता है वो पैसा आप कैसे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल एंड जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों DBT स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है PAFMS, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सर्च कर देना है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही PAFMS लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। सो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हो PAFMS के ऑफिशियल वेबसाइट, तो दोस्तों आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो PAFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पे विजिट कर जाते हैं। सो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे सरकारी योजना के तहत कोई भी पैसा आता है अगर उसे चेक करें तो आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नो योर पेमेंट। आप दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सरकारी योजना के तहत कोई भी पैसा आता है तो दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ANSP स्कॉलरशिप के थ्रू कोई भी पैसा चेक करना है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक ANSP पेमेंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रैक ANSP पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे ANSP स्कॉलरशिप के तहत जो भी पैसा आता है उसे चेक कर सकते हो। एंड नीचे आप देख सकते हो GSTN ट्रैकर, अगर आपको GSTN के तहत कोई भी ट्रैक करना है तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपको DBT स्टेटस को चेक करना है तो दोस्तों आप उसे कैसे चेक कर पाओगे, तो चलिए दोस्तों वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों DBT के थ्रू अपना स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पेज को थोड़ा जूम कर लेना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जूम कर लेते हैं। एंड जूम करने के बाद आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ आना है। एंड ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे जो देख सकते हो 3 लाइन, जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे 3 लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड 3 लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में आना है। एंड लेफ्ट साइड में आने के बाद आपके यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट स्टेटस, तो आपके यहाँ पे पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नरेगा का भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ANSP का भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। अगर आप ANSP के तहत कोई भी पैसा चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई भी सरकारी योजना के तहत कोई भी पैसा मिलता है अगर उसे चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो योर पेमेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको DBT स्टेटस ट्रैक करना है, DBT स्टेटस को चेक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो DBT स्टेटस ट्रैकर, तो सिंपली दोस्तों आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। एंड उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैटेगरी में PM किसान सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड PM किसान सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो DBT स्टेटस, तो आपके यहाँ DBT स्टेटस में आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी वैलिडेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर एप्लीकेशन आईडी, तो आपको दोस्तों यहाँ पे PM किसान योजना का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको इंटर एप्लीकेशन आईडी के बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपको इस सेम टू सेम इस वर्ड को, इस कैप्चर कोड को आपको इस नीचे बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपके यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि देख सकते हो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये बेनिफिशियरी नेम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी कोड है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी मुझे पेमेंट मिला अभी 16 किस्त, अभी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किस्त मिला है 16 नंबर का, तो आपके यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों आप कुछ इस तरह से DBT स्टेटस को चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी पैसा इस बार जारी किया है वो पैसा आपको मिला या नहीं मिला, आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हो। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो वैलिड डेट 22/2024 है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक रिसीव यानी कि फाइल स्टेटस, आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक रिसीव 24/2024 है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से DBT स्टेटस को चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों आप यहाँ पे कितना किस्त मिला है आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो, जो कि देख सकते हो इस किसान को अभी 5 किस्त मिला है, जो कि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से पूरी डिटेल्स के साथ आप यहाँ पे DBT स्टेटस को चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपके यहाँ पे लाइव
प्रोसेस बता दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि PFMS की वेबसाइट से आपको DBT स्टेटस कैसे ट्रैक करना है, कैसे चेक करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक करेगा एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल एंड जेन्युइन कॉन्टेंट आपको इस चैनल के तहत मिलते रहेगी। सो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।